हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी आर लर्न रीड एंड लर्न चैप्टर 1 जर्नल इंग्लिश क्लास फर्स्ट। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या बना हुआ है। आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। शू देखिए इधर, वन ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन, और इस साइड लिखा है मोर देन वन, एक और एक से अधिक, एक से ज़्यादा। ओके, आज हम यही पढ़ेंगे। इधर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ये वन ओ एनी वन, और इधर मोर देन वन, एक से अधिक और एक, दोनों तरफ यही लिखा हुआ है। चलिए नीचे देखते हैं, ये जूता बना हुआ है, एक शू है ना, वन शू है, तो अगर एक जूता हो तो उसको अ शू बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा मीन्स एक से ज़्यादा दो तीन चार पाँच कोई भी चीज़ कितनी भी ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा अगर होगा ना उसको प्लूरल बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट है ए शू, सेकंड है उसके आंसर क्या लिखा है, शूज़। अगर दो जूते हैं तो शूज़ आएगा, अगर एक जूता है तो शू बोलेंगे। अंडरस्टैंड। नीचे देखिए अ सॉक, ओके, और ये दो सॉक्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, सॉक्स। टू सॉक्स नहीं बोलेंगे, सॉक्स बोलेंगे, एस आगे लग जाता है ना। देखिए ऊपर भी देखो एस लग गया ना आगे, तो इसको जो अगर एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो तो एस लग जाता है। अंडरस्टैंड। नीचे देखिए अ लेग, एक टांग है ना, अ लेग, और एक से ज़्यादा है, दो है ना, तो हम एस लगा देंगे और क्या पढ़ेंगे, लेग्स। ओके, देखिए नीचे एन आई, एक आँख है ना, आई है, इधर देखिए एस लग गया आगे, आई के आगे एस लग गया, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। एन आई आईज, ओके, देखिए ऊपर, सॉरी। अभी देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना एन एयर, और इधर दो एक कान है तो इसको एयर बोलेंगे, अगर दो कान हैं तो उसको हम एयर्स बोलेंगे, आगे क्या लग गया, एस लग गया, एयर का एयर्स। देखिए नीचे पेंसिल, वन पेंसिल है ना, तो अ पेंसिल, और अगर ज़्यादा बतानी है तो क्या लिखेंगे, एस, पेंसिल के आगे एस लिख दिया, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। नीचे है अ बनाना, मीन्स एक बनाना, अ बनाना, और उसके आगे अगर ज़्यादा बनाना है, दो या तीन या चार या पांच कितने भी हो सकते हैं, तो हम उसके आगे एस लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बनानास है। अब ऐसे ही नीचे देखो एन एप्पल, और एप्पल्स एस लगा दिया ना आगे, इसका मतलब बहुत सारे एप्पल्स हैं। से एंड राइट दीज वर्ड्स, ओके, इसको बोलो और देख देख कर नीचे लिखना है, जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे ही। ए टी एट, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, और नीचे देखो सी ए पी कैप, एम ए पी मैप, टी ए पी टैप, एम ए एन मैन, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन। ओके, इसको देख देख कर नीचे लिखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज देखिए, यही हमें पढ़ना है। देखो वहाँ पर क्या बताया था मैंने, वन एंड मोर देन वन, एक और एक से अधिक, इसमें भी यही बताया सेम। नीचे देखो प्लेट है ना, अ प्लेट, और इधर बहुत सारी प्लेट्स हैं तो एस लग गया आगे, तो प्लेट का प्लेट्स। नीचे देखिए एन ऑरेंज, मतलब एक ऑरेंज, और बहुत सारे ऑरेंज है तो उसको एस लगा के इसको क्या बोलेंगे, ऑरेंजेस, ऑरेंज ऑरेंज। अ ग्लास ग्लासेस, अ ग्लास ग्लासेस, ओके। नीचे देखिए अ टॉप, फिर टॉप्स, इसके साथ ही देखिए एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, क्योंकि दो है ना एक से ज़्यादा है तो अम्ब्रेलाज एस लग गया आगे। नीचे देखिए अ बॉय, फिर बॉयज़, अंडरस्टैंड, एक लड़का है ना तो बॉय है,
अगर बहुत सारे लड़के हैं तो एस लगा के बोलेंगे बॉयज। अ गर्ल, फिर गर्ल्स सेम वैसी है, एस लगा के गर्ल्स। अ कैमल, एक ऊँट है, एक कैमल है तो कैमल बोलेंगे, और बहुत सारे कैमल्स हैं या दो कैमल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कैमल्स। अंडरस्टैंड, से एंड राइट दीज वर्ड्स। ओके चलो इसको वैसे ही देख देख के हमें नीचे लिखना है, तो हम पहले रीड कर लेते हैं। सी ए आर कार, जे ए आर जार, बी ए आर बार, एफ ए आर फार, एस टी ए आर स्टार, फिर ए आर टी आर्ट, सी ए आर टी कट, एम ए आर टी मार्ट, एफ ए एस टी फास्ट, और एल ए एस टी लास्ट। ओके चलो इतना ही आज हम करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ये जो आप अपनी जो मैंने करवाया है वो अपनी आप बुक में वर्क डाउन करिए, और बाय।